वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गजनी 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, सूर्या की मूवी कंगुआ 14 नवंबर 2024 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। यहाँ सूर्या के साथ बॉबी देओल और दिशा पटानी भी है। मूवी की रिलीज से पहले ही सूर्या लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान ये खबर सामने आने लगी है कि गजनी 2 भी बनने वाली है। ओरिजिनल गजनी में सूर्या ही थे। आमिर खान ने हिंदी वाले रीमेक को लीड किया था। अब खबरें आ रही है कि गजनी 2 के लिए आमिर खान और सूर्या साथ आने वाले हैं। हाल ही में सूर्या ने एक रिपोर्ट में ये बातचीत की है और उनके सिंघम और गजनी के सीक्वल पर काम चल रहा है ऐसी अपडेट दी है, जिससे सुनकर उनके फैंस बहुत ही खुश हो गए है और इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही क्रेजी हो गए है। सूर्या वाली सिंघम के अब तक 3 पार्ट आ चुके है और अब उनका चौथा सीक्वल बनने की चर्चा चल रही है। सूर्या ने आगे अजय देवगन और रोहित शेट्टी वाली सिंघम पर भी बात की। उन्होंने बताया कि अजय देवगन सर उनसे पूछते हैं कि तुम सिंघम के सीक्वल क्यों नहीं बना रहे हो। उनका कहना होता है कि अगर सही कहानी मिलती है तभी वो उस मूवी को बनाएंगे, वरना सिर्फ उनका नाम बुनाने के लिए उस मूवी को बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। इसलिए वो तो अभी इस सीक्वल पर सोच रहे हैं, लेकिन गजनी 2 पर भी वो अपना काम करने की सोच रहे हैं, जिसमें आमिर खान और सूर्या एक साथ नजर आएंगे। जो फर्स्ट सीक्वल गजनी का आया था, इसमें एआर मुर्गुदास ने उनको डायरेक्ट किया था और इसमें गजनी का किरदार आमिर खान ने बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया था। इसमें वो ऐसी किरदार का रोल निभाते हैं जो हर एक 15 मिनट में कुछ होता है और वो भूल जाते हैं। ये उनको सिर में चोट लगने की वजह से होता है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धमाल मचाई थी जब एक गजनी मूवी आई थी तो, और आमिर खान के स्टैंडर्ड को भी ऊंचा ले गई थी। अब ऐसी मूवी का दूसरा सीक्वल आ रहे हैं तो फैंस भी इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही बेकरार है और छोटी से छोटी जानकारी जानने के लिए सोशल मीडिया पर निगाहें टिके हुए बैठे हैं। और हाल में तो यार मुर्गुदास जो इनको गजनी को डायरेक्शन दिया था, वो अपनी सिकंदर मूवी में व्यस्त है, जिसमें सलमान खान काम करते हुए देखने को मिलेंगे और ये मूवी अगले 2025 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। उनसे फ्री हो जाए इसके बाद ही वो गजनी 2 पर काम कर सकते है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि गजनी 2 को शायद अल्लू अरविंद डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आमिर खान ने उनसे बात की है उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि गजनी 2 को कौन डायरेक्ट करेगा और उनमें कौन से स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। नए चेहरे भी ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी ऐसी गजनी 2 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।